हेलो बच्चों, आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सबसे पहले इसकी हेडिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में वापस कैसे आते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हमने बच्चों ये देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। अब प्लांट्स ने तो न्यूट्रिएंट्स ले लिए, तो फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए, ये हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर Using them in lawns or in pots? आपने farmers को कभी देखा है, या फिर जो माली होते हैं वो अपने lawns में manure और fertilizer का इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ें हैं बच्चों, एक है manure, दूसरा fertilizer। Difference क्या है? Manure जो है वो naturally बनाई जाती है, ठीक है, organic material से, जैसे कि human waste हो गया, animal waste हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, लीव्स हो गई उनकी, तो इन सब से मिलकर जो है वो मैन्योर बनती है। जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए, तो इनसे मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिकली बनाई जाती है, ठीक, यानी नेचुरली जो सबस्टेंसेस हैं उनसे बनाई जाती है, ठीक। तो ये मैन्योर है। और फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स केमिकली बनाए जाते हैं, यानी बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं किसान किस किस का इस्तेमाल करते हैं, एक मैन्योर, दूसरा फर्टिलाइजर, ठीक। अच्छा, डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब जो फार्मर्स हैं वो बार बार मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? सोचो, यू हैव लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लीनिंग, यानी उनका अब प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो वो कम तो होगा, है ना। तो सॉइल में यहाँ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। और फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टिलाइजर और मैन्योर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, और इन न्यूट्रिएंट्स को कंटिन्यूसली डालना पड़ता है। तो जो प्लांट्स हैं उनने स्टार्टिंग में सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लिए और वो ग्रो कर गए, फिर प्लांट्स को हटा दिया, ठीक है। फिर दूसरी वाली क्रॉप उगाई फार्मर्स ने, तो दूसरी वाली क्रॉप को उगाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। अब न्यूट्रिएंट्स की तो कमी हो गई, क्यों? क्योंकि उससे पहले जो हमने प्लांट्स उगाए थे उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी तरफ ले लिए, तो क्रॉप्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे उसे? तो सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, इसीलिए टाइम टू टाइम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डालने पड़ते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कैसे डालते हैं? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस डाला जाता है, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड्स टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, और टाइम टू टाइम डालना पड़ता है फार्मर्स को। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स, यानी हम भी प्लांट्स को उगा सकते हैं अगर हम, और साथ ही उन्हें हेल्दी भी रख सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दें। और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की हेल्प से। जैसे बच्चों आपने सुना होगा खाद के बारे में, खाद खाद के बारे में सुना है, खाद के पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में,
छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, है ना। और बड़े प्लांट्स के लिए भी मिलते हैं, बट मेनली हम लोग जो पॉट्स लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं अपने घरों में, उसमें भी मैन्योर डाली जाती है, जिसे हम खाद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। अब जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जो फसलें हम लगाते हैं, तो वो काफ़ी सारा नाइट्रोजन सॉइल से ले लेती हैं, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई। ठीक है, अब सॉइल से उसने सारा नाइट्रोजन ले लिया, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई, है ना। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। बट आपने बच्चों सीखा है ना कि जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे हेयर एयर में बहुत सारी अमाउंट में प्रेजेंट है, बट बच्चों प्लांट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो डायरेक्ट एटमोसफेयर से नाइट्रोजन ले सके, है ना। तो सॉइल में नाइट्रोजन कैसे पहुँचे फिर? सॉइल से उन्होंने नाइट्रोजन ले लिए, वो एटमोसफेयर से तो ले नहीं सकते, एटमोसफेयर में तो बहुत सारी नाइट्रोजन है। तो फिर क्या होता है, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि एटमोसफेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, उसी की हेल्प से तो खाना बनता है, बट एटमोसफेयर से वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्यूबल फॉर्म, उन्हें सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो किससे लेते हैं, वो एक बैक्टीरिया की मदद से लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, इस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोबियम। ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया एटमोसफेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसे यूजेबल फॉर्म में बना देता है, जिससे कि प्लांट जो है उसे ले सके। ठीक है, इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम? राइजोबियम बैक्टीरिया। देख रहे हैं बच्चों, ये देखो प्लांट की जड़ों पे ऐसे बैक्टीरिया लगे हैं, इस तरीके के बैक्टीरिया जो हैं ये ग्रो करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया एटमोसफियर की नाइट्रोजन को लेकर उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। क्लियर है? बट अब बट सुनो बच्चों, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो फिर सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स पीस मूंग बीन्स एंड अदर लेजम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। यानी ये प्लांट्स के जड़ों के साथ रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी बच्चों क्या चलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है, यानी प्लांट्स की जड़ों के साथ ये रहते हैं। कौन रहते हैं? राइजोबियम। और किस तरह के प्लांट्स की जड़ों के साथ? जैसे कि ग्राम हो गई, ठीक है, मूंग हो गई, मटर हो गए, तो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं इनके साथ ये रहते हैं। ठीक है, अब इन प्लांट्स के साथ ये रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। किस में? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, राइजोबियम जो है बैक्टीरिया वो इन्हें नाइट्रोजन दे रहा है, है ना। इनकी यूजुअल फॉर्म में जो नाइट्रोजन की नीड प्लांट को होती है वो उसे दे रहा है, और फिर जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हें खाना बनाकर दे देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, दोनों का काम हो जाएगा। सही है, दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। और ये जो इनका एसोसिएशन है, इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लिग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। यानी वहाँ पर ये लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जहाँ पर लिग्यूमिनस प्लांट्स को इन्हें उगाना होता है। लिग्यूमिनस प्लांट्स बच्चों इन्हीं प्लांट्स को कह रहे हैं, जैसे हमने अभी कुछ प्लांट्स के नाम देखे थे ना, जैसे कि ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, तो ये सारे लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इन्हें लिग्यूमिनस प्लांट्स क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी ये बैक्टीरिया को कुछ प्रोवाइड करते हैं और बैक्टीरिया इन्हें कुछ प्रोवाइड करता है। अच्छा ध्यान से सुनो, ये राइजोबियम है ना, अच्छा देखो इधर बड़े ध्यान से, जो राइजोबियम है वो इन्हें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है,
और ये इन राइजोबियम को खाना दे रही हैं। ठीक है, तो ये लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, इसकी वजह से हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकली बनाए गए हैं, हमने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, केमिकली बनाए गए हैं, यानी कई सारे केमिकल्स को मिक्स करके बनाए गए हैं। तो केमिकल्स को मिक्स करके बनाएंगे और नेचुरली नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों उसकी क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए खेती करते दौरान। तो आगे देखते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, ज़्यादातर जो दालें हैं ना बच्चों, वो लिग्यूमिनस प्लांट से ही ग्रो कराई जाती हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। अब लास्ट में एक बार इस चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक भी हैं। ठीक है, पैरासाइटिक का ध्यान है बच्चों, पैरासाइटिक कौन होते हैं, पैरासाइटिक वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते भी हैं और उन ऑर्गेनिज्म को खाते भी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बालों में जुए हो जाते हैं ना, तो वो जुए क्या है, पैरासाइटिक है, वो हमारे जो सिर से खून भी चूस लेते हैं और हमारे सिर पर रहते भी हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक कौन हो गए, जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं। ठीक, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और लास्ट में, जितने भी एनिमल्स हैं बच्चों, वो सभी कौन हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, यानी दूसरे पर डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। तो आप बच्चों सोच कर बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियली हेटरोट्रॉप्स होते हैं। पार्शियल हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, कि वो पार्शियली हेटरोट्रॉप्स का मतलब ये हो गया कि ये जो हैं, ये कभी कभी जो हैं वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब इंसेक्टिवोरस नाम है तो इंसेक्ट पर ये डिपेंड रहते हैं, याद है बच्चों, याद है हमने इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि कुछ पिचर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे ही इंसेक्ट आ जाता है वो अपने आप को बंद कर लेते हैं और उस इंसेक्ट से वो अपना खाना निकालते हैं, है ना। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इंसेक्ट पर डिपेंड है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।